ये ताजा तस्वीरें जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त वहां का रुख करना कितना रिस्की हो सकता है। तो जैसे पहले ही वेदर प्रेडिक्शन किया गया था कि इन दिनों बारिश और बर्फबारी हो सकती है, और कल रात से ही कई जगह पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है, कई जगह पर बारिश हो रही है, और उसी के चलते आज सुबह सुबह आपको जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे का अपडेट दे दूं कि फिलहाल शूटिंग स्टोन्स का भी सिलसिला वहां पर जारी है, जिसके चलते जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है दोनों साइड से, और शूटिंग स्टोन्स हैं, खतरा बना हुआ है, वहां का रुख ना करें अगर आप कर रहे हैं। और राउंड जीरो से हमारे नुमाइंदे आरिफ वहीद की जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के अपडेट को लेकर ये रिपोर्ट। आप सभी का खुशामदीद, मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ वहीद। गुड मॉर्निंग आदाब। मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आज जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे जो है कई जगहों पे दिक्कतें हैं। मैं आपको जानकारी देने की कोशिश करूंगा कि जहाँ पे रामबन मिहाड़ के इलाके में शूटिंग स्टोन और पैंथियाल के इलाके में भी जो है शूटिंग स्टोन के मामला जो है वो कल शाम से ही और इस वक्त भी देखने को मिल रहे हैं। वहीं पे अगर कौमी शाहराह की बात करें तो शेर बीबी के मकाम पे भी जो है सड़क धंसने की वजह से वहाँ पर दिक्कतें ज़रूर है, जहाँ पर कल शाम को ट्रैफिक को सिंगल चलाया गया था। इसके साथ में केला मोड़ के इलाके में भी जो है एक नेशनल हाईवे जो न्यूली कंस्ट्रक्टेड है उसकी वो दीवार निकल गई है, वहाँ पर भी सिंगल लाइन कल ट्रैफिक को चलाया गया था। लेकिन इस वक्त की ताज़ा जानकारी आपको देने की कोशिश करूँगा हाईवे के हवाले से कि इस वक्त बनिहाल से लेकर काजीगुंड सेक्टर तक जो है बर्फबारी का सिलसिला है। उस समय बारिशें भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रही है, जिस तरह से बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं कि कई इंच बर्फ़ जो है वो बिल्कुल रिकॉर्ड भी हुई है। और इसके साथ में अगर बात करें तो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे फिलहाल ट्रैफिक की आवाजाही को बंद कर दिया गया है। जिस तरह से महकमा मौसमियात का मानना है कि आज दिन जो है मौसम के एतबार से जो है कुछ बर्फबारी या बारिशों का सिलसिला जो है वो देखने को मिलेगा मज़ीद। और हाई रीचेस की बात करें रामबन ज़िला की, तो कई फीट बर्फ़ जो है आज भी रिकॉर्ड की गई है, जो सुबह सुबह जो है लोगों ने हम तक जानकारी पहुंचाई। मोहम मंगेत के ऊपरी इलाकों की अगर हम बात करें, लेकिन यहाँ पे मैदानी इलाकों में रामबन बनियाल सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर कई इंच बर्फ़ जो है वो रिकॉर्ड हो चुकी है। इसके साथ में अगर इस वक्त की बात करें, इस वक्त तेज़ बारिशों के साथ साथ ऊपरी इलाकों में जो है बालाई इलाकों में धुंधला माहौल और हल्की हल्की बर्फबारी भी शुरू हो चुकी है। ट्रैफिक हुकाम का मानना है कि सफ़र शुरू करने से पहले आपको अपनी नज़दीकी ट्रैफिक यूनिट्स के साथ राबिता कायम करना चाहे, ताकि आप बेवजह जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे दरमंदा न रहें। जहां पर हम ट्रैफिक प्लान के मुताबिक बात करते हैं, जहां पर कल यानी बड़ी गाड़ियों को जो है जम्मू से श्रीनगर की ओर चलने की इजाज़त दी गई थी, और उसके साथ में सुबह सुबह जो है दोनों तरफ से जो है छोटी गाड़ियाँ चलती थी, लेकिन शेर बीबी के मकाम पर जो है सड़क का एक हिस्सा धंसने की वजह से उसके बाद जो है ट्रैफिक को सिंगल कर दिया गया और श्रीनगर से जो है गाड़ियों को रोकना पड़ा। अगर मौसम के मिजाज बेहतर रहते हैं तो आज ट्रैफिक प्लान के मुताबिक जो है बड़ी गाड़ियों को यानी श्रीनगर से जम्मू की ओर चलने की इजाज़त होगी, और छोटी गाड़ियां फिर दोनों अतराफ से चलती है। लेकिन आज सब्जेक्ट के शेर बीबी के मकाम पे जो है क्या सूरत हाल रहेगी, जहाँ पर सिंगल ट्रैफिक को चलाया जाता है या शूटिंग स्टोन का सिलसिला जो है फिलहाल ट्रैफिक को अलाउ नहीं कर रहा है, उसके साथ में मौसम के जो मिजाज है वो भी इस समय जो है उतने बेहतर नहीं है। और मैं आपको जाते जाते फिर से बताने की कोशिश करूंगा कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे इस समय ट्रैफिक पूरी तरह से बंद है। पैंथियाल और रामबन मिहाड़ के मकाम पे शूटिंग स्टोन का सिलसिला जारी है, इसलिए ये कहा गया है कि जो मौसम के मिजाज है